बॉस क्या आपको एक संकेत दे रहे हैं सुप्रिया जी की, राहुल गांधी की लोकप्रियता जो इतनी नीची है प्रधानमंत्री के मुकाबले, वो एक चैलेंज है आप लोगों के लिए चुनाव में, 24 के चुनाव में जाए तब? अभी तो खैर मुझे लगता है कि स्टेट्स में अब वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल बेमानी बात करी है। इस समय वो लगातार छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम का दौरा कर रहे हैं और आप कह रही है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वो इन क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, आप कह रही है इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हर हफ्ते वो तीन तीन चार चार रैलियां कह रही है, आप कह रही है इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये थोड़ी सी मुझे भौचक्का करती है, आप ये कैसे? दोस्तों आज हम आपके लिए बड़ी धांसू डिबेट लाए हैं, जिसे देखकर आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे। आज की डिबेट में सुप्रिया सिनेत ने अकेले ही गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता को घुटनों पे ला दिया। एक सर्वे की बात करते हुए अंजना ने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले कमजोर बताया, जिसके बाद सुप्रिया सिनेत ने अंजना की अच्छी खासी क्लास लगा दी। वीडियो में आप अंजना द्वारा बीजेपी की पोल खुलते भी देखेंगे। चलिए बिना देर किए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। जी आप लोगों का क्या गेम प्लान है, क्या? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो जो है वो अंजना ओम कश्यप की है, साथ साथ जो है सुप्रिया सिनेत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी आपस में बहस हो गई तगड़ी वाली। तो इस वीडियो में हम देखें किस तरह से जो उन्होंने लॉजिक से बात करी। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। जिसके बाद सुप्रिया सिनेत ने अंजना की अच्छी खासी क्लास लगा दी। वीडियो में आप अंजना द्वारा बीजेपी की पोल खुलते भी देखेंगे। चलिए बिना देर किए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। जी आप लोगों का क्या गेम प्लान है, क्या कमलनाथ को फुल प्रोजेक्शन आप लोग कर रहे हैं एज सीएम? क्योंकि वहां पर दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के बीच में ठन गई है, यहां पर ठनी हुई है पहले से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, लेकिन कम से कम यहां कोशिश दिख रही है सचिन पायलट की तरफ से कि वो जो परेशानियां है वो खुलकर सामने नहीं आए। ऐसे में आपको लगता है कि जो पॉपुलैरिटी वाला फैक्टर है वो गहलोत का या कमलनाथ का या फिर वहां पर बघेल साहब का, ये आपका बेड़ा पार लगाएगा? आप लोग मोदी जी के चेहरे की बात कर रहे हैं तो क्रमवार तरीके से बात कर लेते हैं। मोदी जी ने तो यही चेहरा हिमाचल में दिखाया था और कहा था कि ये मेरा दूसरा घर है, मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। ढूंढो तो जाने, वहां पे भी मुख्यमंत्री को ढूंढा जाता था होर्डिंग्स में। वही काम कर्नाटका में हुआ था, चाहे बोम्मई जी हो चाहे येदुरप्पा जी हो, घर बिठा दिए गए थे, चुनाव मोदी जी खुद लड़ रहे थे। जब मैं मध्यप्रदेश पहुंची तो मुझे लगा होर्डिंग को देख के कि हो सकता है मोदी जी का मन मचल गया हो और वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो। यही हाल कभी कभी मुझे राजस्थान में भी नजर आता है। तो आप अपनी लोकल लीडरशिप को घर भले बिठा दीजिए, लेकिन असलियत यह है कि आज मोदी जी के चेहरे को नकारा जा रहा है और प्रचंड रूप से नकारा जा रहा है। हिमाचल ने नकारा जो दूसरा घर था, कर्नाटका ने नकारा जहां पर हर तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही, और अब मध्यप्रदेश जाकर शिवराज सिंह चौहान जी का मंच से नाम ना लेना। आपको लगता है आपके सारे पाप 18 साल के धुल जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं धुलेंगे। ठीक है, तो आपकी सुप्रिया जी मुझे लगता है सबसे बड़ी आपत्ति थी मोदी की लोकप्रियता बताने पर, लेकिन उन्होंने नंबर्स जो समझाया आपको कि मतलब उन्होंने, ये तो लोगों का आंकड़ा है जो सामने आया है, और उस पर्सपेक्टिव में आप देखें तो राहुल गांधी का भी इजाफा हो रहा है, लेकिन वो उतने बड़े एसेट नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी। तो आप चुनाव दर चुनाव देखिए ना, हिमाचल प्रदेश में धूमल जी का तो चेहरा था नहीं, ना वहां के चीफ मिनिस्टर का था। हिमाचल प्रदेश में मिस्टर मोदी वॉज ऑन द टिकट, नकारे गए, तो वो लाइबिलिटी हुए या एसेट हुए? तो आपने कहा ठन गई है, मुझे तो कोई ऐसा दिखता नहीं है पुख्ता सबूत या आपका कोई बेसिस जिस पर आप कहें। दिग्विजय जी ने बोला कि अखिलेश वखिलेश बोलना गलत था कमलनाथ को, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी का बोलने का एक अंदाज है, दिग्विजय सिंह जी का बोलने का दूसरा अंदाज है। एक बात यह भी सच है कि दिग्विजय सिंह जी प्रभारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बड़े घनिष्ठ संबंध भी हैं पॉलिटिकल पार्टी से यूपी में, तो वो जरूर अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को जरूर ज्यादा करीबी से जानते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बोलचाल की भाषा में कुछ बोला जाता है, हमारा बड़ा सम्मान है अखिलेश जी के लिए। और जैसा कि सपा के प्रवक्ता भदौरिया जी ने कहा, हम एक थान के कटे कपड़े नहीं है लेकिन हम एक साथ जरूर खड़े हैं, और उससे भाजपा को आपत्ति। और सबसे बड़ी आपत्ति यह है आज भाजपा को कि जब इन्होंने अपने सबसे बड़े घटक दल, और मुझे ऐसा लगता है हम सबको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को एजेंसी बुलाना बंद कर देना चाहिए, जब जब ये हारने लगते हैं, जब बौखलाहट बढ़ती है, जब घबराहट बढ़ती है, तो अपने सबसे प्रबल शस्त्र, अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी सीबीआई मैदान में उतारते हैं। कल इन्होंने राजस्थान में ऐसा किया। आप लोग कहते हैं ठन गई है, मुझे लगता है प्रथम पंक्ति में खड़े होकर इसका डिनाउंसमेंट, इसका डिफेंस श्री सचिन पायलट जी ने किया। अब बीजेपी बड़े सख्ते में कि करे तो करे क्या और कहें तो कहें क्या। रानी वर्सेस राठौर, राखी जी सबसे ज्यादा तो वहां पर ठनी हुई है। जब राज्यवर्धन राठौर का वो सीट अनाउंस हुआ, वहां पर इस तरह का विद्रोह हुआ, गो बैक राठौर, गो बैक, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे। तो ये तो हालत है, नौबत है। इन फाइटिंग पर आप उंगलियां इधर उठाएं उससे ज्यादा आप पर उठती हुई दिखाई देती हैं। कैसे मैनेज कीजिएगा इन बागियों को? कोई कहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है, कोई कहता है मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, बीजेपी कैसे मैनेज करेगी? जब मैंने अपनी बात की शुरुआत करी तो मैंने अपनी बात करी, हम हमेशा अपनी लकीर को लंबा करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रिया जी ने अपने स्टेटमेंट में लगातार अपनी बात न करके मोदी जी की बात करी, बीजेपी की बात करी, मुझे खुशी है। चलो अच्छी बात है कि आपने कम से कम इस बात को एक्नॉलेज किया कि मोदी जी का काम ऐसा है कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, और बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जो काम किया है वो देश की जनता के सामने। और फिर वही बात कहूंगी कि अपनी लकीर को लंबा करके जनता के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे और जिसके माध्यम से जनता हम लोगों को साथ देगी। लेकिन यहां पर कहा गया लंबी लकीर खींची गई, अरे भाई तो लंबी लकीर
तो आपने कर्नाटक और हिमाचल में भी खींची थी, और लंबी लकीर तो इन्होंने, मैं दो ही राज्यों का एग्जांपल दे देती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात करूं, उस पर तो इनका मुंह ऑलरेडी काला है। लोकल मुद्दों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये बजट का साइज बताने लगे, अरे मध्य प्रदेश में कर्जे का भी साइज बताइए, 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 40 लाख युवाओं ने इंप्लीमेंट एक्शन लिया। तो फ्रेंड ये थी सुप्रिया शिनेत, देख सकते हैं किस तरह से किस लॉजिक से उन्होंने जो है बहस करी अंजुम कश्यप के। अंजुम कश्यप जो है जो मोदी जी की ज्यादा ही तरफदारी कर रही थी, तो उन्होंने पूरा खोल के रख दिया। जब भी आती है अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है सुप्रिया शिनेत, तो काफी सारी डिबेट में आती है। तो आई होप तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, और चाहते इस टाइप की वीडियो आपके लिए और लाइक तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लान करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।